हाँ जी दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हफ्ते में 2 से 3 वीडियो लाने की कोशिश मैं करता हूँ, जिसमें आपको कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिखाया जाता है। तो आज एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ में, ताकि आने वाले टाइम की सारी इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल आप तक पहुंचा सके। और अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप एबी गुरुजी को ज्वाइन नहीं किया है, जहाँ पर हर दिन फ्री क्विज आपके लिए अपलोड की जाती है, इसको अटेंड करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम पे जाएं, एबी गुरुजी सर्च करें। और अगर आप बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो कि 2022 का बड़े धमाकेदार तरीके से चल रहा है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपके सामने एक नंबर सीरीज का छोटा सा क्वेश्चन रखा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कर सकें, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम यहाँ पर देना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा टाइम आप सभी को देता हूँ और आप इसका आंसर करने की कोशिश करें, और उसके बाद में हम इसके आंसर को समझेंगे कि आखिर किस तरीके से आप एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपकी टाइमिंग जो है वो शुरू कर दी गई है और आप सब इसका आंसर करने की कोशिश करें। जो बैच के स्टूडेंट हैं उन सबको बहुत अच्छे तरीके से प्रोसीजर बताया गया है कि किस प्रोसीजर को अपना के वो आंसर तक पहुंच सकते हैं, और जो बैच में नहीं है वो भी अपने तरीके से, जिस भी तरीके से उन्होंने प्रैक्टिस की, इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं। जी हाँ, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है वो आपसे नेट के एग्जाम में पूछा भी गया है। उम्मीद करता हूँ मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर सही देंगे। जो आंसर होगा वो मैं आपको समझाऊंगा, सारा प्रोसीजर भी बताऊंगा। जी हाँ, आई होप कि आप सभी ने इसके आंसर को कैलकुलेट करने की कोशिश की होगी, और सही आंसर क्या होगा आप सभी ने कमेंट भी कर दिया होगा। तो अब यहाँ पर बढ़ते हैं जी प्रोसीजर की ओर, कि आखिर क्या प्रोसीजर ऐसे क्वेश्चंस के लिए हो सकता है। मैंने हमेशा बताया कि नेट के एग्जाम के अंदर आपको हमेशा स्टेप्स को फॉलो करके रखना है। डियर, स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते चलते हैं, स्टेप के साथ में पकड़े हुए रहते हैं स्टेप्स को, कि हमें स्टेप्स को फॉलो करना है, तो आप जो है वो इस क्वेश्चन के आंसर तक आराम से पहुंच सकते। सबसे पहला स्टेप हमने आपको बताया हुआ है कि आपने इसके अंदर प्राइम नंबर, स्क्वायर और क्यूब को ढूंढना है। तो हमने देखा इसके अंदर प्राइम नंबर, स्क्वायर, क्यूब हमें नहीं दिखा, लेकिन हमने एक चीज देख ली कि छोटी सी फिगर जल्दी से बड़ी होती जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो फर्क है, यानी स्क्वायर क्यूब का कहीं ना कहीं तो जोड़ हो सकता है, या मल्टीप्लीकेशन का कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो सकता है। अब हम जाते हैं स्टेप टू की ओर, जहां पर हम इनके बीच में डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम एक बार के लिए इसके बीच में डिफरेंस निकालते हैं। इनके बीच में यहाँ पर डिफरेंस जो है वो यहाँ पर 4 का आ जाएगा, और यहाँ पर 9 का डिफरेंस आ जाएगा, और यहाँ पर अगर मैं करना चाहूँ तो 49 का डिफरेंस आ जाएगा। अब हमने जैसे ही इस डिफरेंस को देखा, तो हमारी नजरों ने देखा कि ये जो है 4 है, जो कि 2 का स्क्वायर हो सकता है। यहाँ पर जो 9 है वो 3 का स्क्वायर हो सकता है, और यहाँ पर जो 49 है वो यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो सकता है। अब यहाँ पर ये चीज हमने देखी, तो एक बार के लिए हम इसको भी मान लेते हैं कि ये भी 1 का ही स्क्वायर है, ऐसा मान लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। जैसे हमने इसको देखा तो हमें पता लगा कि यार ये तो देखा देखा सा लग रहा है, 1, 2, 3 और 7 तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है, और ऊपर की ओर हमने देखा तो 1, 2, 3, 7 हमारे को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब जो ये डिफरेंस इनके बीच में है, वो डिफरेंस बेसिकली इन्हीं अमाउंट के स्क्वायर का है। 2 और 3 के बीच का डिफरेंस यहाँ पर 1 के स्क्वायर का रखा गया, जो कि यहाँ से उठाया गया। 3 और 7 के बीच का डिफरेंस 4 का है, जो कि 2 का स्क्वायर होता है, जो कि यहाँ से उठाया गया। 7 और 16 के बीच का डिफरेंस 9 का है, जो कि 3 का स्क्वायर उठाया गया है। 16 और 65 के बीच का डिफरेंस 49 का है, जो कि 7 का स्क्वायर उठाया गया। तो अगले जो रकम हमारे पास में आएगी 65 से अगली, वो 16 के स्क्वायर का डिफरेंस वाला होगा। अब आप सभी को मैंने कहा है कि 25 तक के स्क्वायर कम से कम याद रखने हैं, और 2 16 का स्क्वायर अगर आपने याद रखा ही होगा तो वो आपके पास में आएगा 256। और 256 आपने इसके अंदर बेसिकली ऐड करवाना है, क्योंकि अगला डिफरेंस 256 का होना चाहिए। 6 और 5 11 हमने कर दिया, 7 और 5 12 का दुआ आंसर लाई, 1 321 हमारे पास में आ गया, और 321 जो है वो चौथे नंबर ऑप्शन पे हमारे पास में दे रखा है। इस तरीके से चौथा नंबर जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, एक बिल्कुल नए पैटर्न का क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है।
बिल्कुल नए पैटर्न का। यहां पर एक सबसे जरूरी चीज जो आपके लिए निकल कर आई वो ये कि अगर आपका माइंड बिल्कुल शांत है तभी आप इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते थे। यहां पर आपने डिफरेंस निकाला और डिफरेंस निकालते ही आपको पता लग गया ये स्क्वेयर है जी, बिल्कुल स्क्वेयर है। और यहां पर स्क्वेयर आपने देखा 2 3 7 का, तो इसके ऊपर ज्यादा दिमाग लगाने के बजाय जब आपने सीरीज को देखा तो पता लग गया 2 3 7 तो ऊपर की ओर दे रखा है। तो इसी के ही बेसिकली स्क्वेयर कर करके डिफरेंस निकाल ले गए थे। और ये चीज आपके पकड़ में आएगी कब, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो एक बार फिर से सुई जो है वो प्रैक्टिस पर आकर अटक गई है कि जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आप एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन को ट्रेस कर लेंगे, बिल्कुल नए पैटर्न को क्वेश्चन आपके लिए रखा गया था। खैर, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें बेल आइकन के साथ में, ताकि आने वाले टाइम की इंपॉर्टेंट वीडियो और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये चैनल आप तक पहुंचा सके। टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और अगर कोई इंटरेस्टेड है तो बैच ज्वाइन कर सकता है 81 144 73 110 पे व्हाट्सएप करके। टीम मेंबर्स उन्हें बता दें किस तरीके से वो अब 2022 के बैच का हिस्सा यहाँ पर बन सकते हैं। इस वीडियो को देखने से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।